वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। वेल्डर एनएसक्यूब लेवल 4 सीबीटी एग्जाम प्रिपरेशन पेपर 1 ट्रेड थ्योरी ईएमसीक्यूब टाइप क्वेश्चन एंड आंसर मराठी इंग्रजी आणि हिंदी मध्ये। प्रश्न, व्हिच वन ऑफ दिस प्रोसेस रिक्वायर्स नो फिलर मेटल एंड आर फ्लक्स। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में फिलर धातु तथा अथवा फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है? खालीलपैकी कोणत्या वेल्डिंग पद्धतीमध्ये फिलर मटेरियल किंवा फ्लक्सची गरज नसते? ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑप्शन डी थर्मिट वेल्डिंग। तर रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रकारामध्ये फिलर मटेरियल किंवा फ्लक्सची आवश्यकता नसते, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इन थर्मिट वेल्डिंग हीट इज जनरेटेड ड्यू टू मिक्सिंग अप। थर्मिट वेल्डिंग में किस मिश्रण से ताप उत्सर्जित होता है? थर्मिट वेल्डिंग मध्ये कोणत्या मिश्रणामुळे हीट उत्पन्न होते? ऑप्शन ए ॲल्युमिनियम अँड आयर्न, ऑप्शन बी ॲल्युमिनियम अँड कॉपर, ऑप्शन सी ॲल्युमिनियम अँड आयर्न ऑक्साईड, ऑप्शन डी ॲल्युमिनियम ऑक्साईड अँड आयर्न। तर ॲल्युमिनियम अँड आयर्न ऑक्साईड या मिश्रणामुळे हीट उत्पन्न होते, ऑप्शन सी ॲल्युमिनियम अँड आयर्न ऑक्साईड। The method used to start the arc in GTAW without touching base metal is। GTAW में arc को बिना आधार धातु को छुए आरंभ करने के तरीके को क्या कहते हैं? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मध्ये इलेक्ट्रोड टच न करता आर्क निर्माण करण्याच्या पद्धतीला काय म्हणतात? ऑप्शन ए स्क्रैच स्टार्ट, ऑप्शन बी हाई फ्रिक्वेंसी स्टार्ट, ऑप्शन सी लिफ्ट स्टार्ट, ऑप्शन डी पल्स स्टार्ट। तर GTAW मध्ये धातूला इलेक्ट्रोड न टच करता आर्क निर्माण करण्याच्या पद्धतीला हाई फ्रिक्वेंसी स्टार्ट म्हणतात। व्हाट इज द वेल्डिंग प्रोसेस शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खालील वेल्डिंग पद्धति कौन थी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग, ऑप्शन बी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी GEMAW, ऑप्शन डी थर्मिट वेल्डिंग। आकृति दाखवलेली फिगर ही सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रकारची वेल्डिंग प्रोसेस आहे, वेल्डिंग मशीन आहे, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ऑप्शन बी। व्हाट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग के विषय में क्या सत्य है? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग बद्दल काय खरं आहे? ऑप्शन ए नो फ्लक्स इज यूज इन दिस प्रोसेस, ऑप्शन बी फ्लक्स यूज इन दिस प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ ए पेस्ट, ऑप्शन सी फ्लक्स यूज इन दिस प्रोसेस हैज अ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी फ्लक्स यूज इन दिस प्रोसेस हैज अ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंगमध्ये फ्लक्स यूज केला जाते आणि तो फ्लक्स हाय रेजिस्टन्स हाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स असलेला असायला पाहिजे, ऑप्शन डी फ्लक्स यूज इन दिस प्रोसेस हॅज हाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स ऑप्शन डी। द टू कॉमनली यूज इनर्ट गॅसेस आर। आमतौर पर प्रयोग में प्रयोग की जाने वाली दो अक्रिय गॅस है आप निष्क्रिय वायु कोणते उपयोगात येतात? ऑप्शन ए एर्गॉन एंड हेलियम, ऑप्शन बी एर्गॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हेलियम एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तर एर्गॉन एंड हेलियम ही गॅसेस यूज मध्ये येतात निष्क्रिय गॅस म्हणून। बाय ऍडिंग 1% to 2% व्हिच मटेरियल इज ऍडेड इन टंगस्टन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज। टंगस्टन में 1% से 2%
कौन सा धातु जोड़ा जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। टंगस्टन मध्ये 1 ते 2% कायम मिळवल्याने इलेक्ट्रॉनचे इमिशन वाढते। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी कॅडमियम, ऑप्शन डी मॅग्नेशियम। तर थोरियम हा धातू टंगस्टनमध्ये मिळवल्यामुळे इलेक्ट्रॉनचे उत्सर्जन वाढते। ऑप्शन बी थोरियम। इन ऑर्डर टू कंट्रोल वेल्ड पुल द इलेक्ट्रोड इज मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड एज शोन बिलो। दिस मोमेंट इज कॉल्ड वेल्ड पुल। को नियंत्रित करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार इलेक्ट्रोड को एक ओर से दूसरी ओर से लाया जाता है, इस प्रचालन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनची मोमेंट ही वेल्ड पुलला कंट्रोल करण्यासाठी एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे असे इलेक्ट्रोडची हालचाल केली जाते, या पद्धतीला काय म्हणतात? ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी ट्रॅव्हर्सिंग, ऑप्शन सी क्रॉसिंग, ऑप्शन डी व्हाइपिंग। तर या पद्धतीला वीविंग म्हणतात। यामुळे वेल्ड पुल कंट्रोल होते, त्यासाठी इलेक्ट्रोड एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे अशी मूव्हमेंट केली जाते, वीविंग। इन दिस फिगर गिवन बिलो सिंबल विच रिप्रेजेंट्स फिलेट वेल्ड। नीचे दिए गए चित्र में फिलेट वेल्ड को दर्शाने वाला प्रतीक कौन सा है? खाली दिलेले सिंबल हे फिलेट वेल्ड कोणता आहे? तर ऑप्शन बी सिंबल बी हा फिलेट वेल्ड दर्शवते, ट्रायंगुलर शेप जो दाखवलेला आहे तो। इन दी वेल्ड बी शोन बिलो मोल्टन मेटल हॅज स्प्रेड ओवर पॅरेंट मेटल शोन बाय एरोज द डिफेक्ट इज कॉल्ड। नीचे दिए गए वेल्ड बीड में पिघला हुआ धातु मूल धातु पर फैल गया है, इस त्रुटि को क्या कहा जाता है? आकृति बेस मेटल वर मोल्टन पोल पसरलेला है, याला या दोषाला काय म्हणतात? ऑप्शन ए रेनफोर्समेंट, ऑप्शन बी ओवरलॅप, ऑप्शन सी ओवरफ्लो, ऑप्शन डी ओवरले ओवरलॅप। अशा प्रकारे हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडल्यास या व्हिडिओला लाईक आणि आपल्या गरजू मित्रांना शेअर करा। राज एज्युकेशन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन प्रेस करा, जेणेकरून आपल्याला नवीन नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिळेल। धन्यवाद।